स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष शर्मा, आज हम आपके साथ एलडीसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आरएसएमएसएसबी ने जो एलडीसी का पेपर लिया था उसके अंदर आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन साइंस के, 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन आपके जीके के आए थे पेपर फर्स्ट के अंदर। साइंस के क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है जीएमओ है, देखिए आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी जीएमओ की। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली, एम का मतलब होता है मॉडिफाइड, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसको हिंदी में आप कहते हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? देखिए दोस्तों ऑप्शन है आपके, ए पोलियो, बी है फाइलेरियासिस, सी है टाइफाइड और डी हीमोफीलिया। देखिए पोलियो जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है, फाइलेरियासिस होता है जो आपका सूत्र करने के द्वारा होता है, सी टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है और डी के हीमोफीलिया के अंदर आपका रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त लगातार बहता रहता है और इस रोग की वाहक स्त्रियां होती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? देखिए मधुमेह के अंदर आपके शरीर का अग्नाशय प्रभावित होता है पहली बात, दूसरा बात इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से मधुमेह रोग होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी की वजह से शर्करा की मात्रा मेंटेन नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से आपको मधुमेह रोग हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में लाल रोधी कणिकाओं की कमी कहलाती है? देखिए दोस्तों आपके ब्लड के अंदर तीन तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, फर्स्ट आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी एंड सी थर्ड आपकी प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल प्रस्तावित किया था? देखिए दोस्तों डीएनए आपका एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसकी खोज वॉटसन एंड क्रिक ने की थी 1953 के अंदर, इसके लिए इन्हें 1962 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये आपके डीएनए क्या करता है, अनुवांशिक गुणों को एक अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? दोस्तों प्राकृतिक गैस को इंग्लिश में कहते हैं सीएनजी और इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। एक गैस और होती है आपकी एलपीजी, उसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? थर्मोसेटिंग बहुलक क्या होता है? देखिए बहुलक दो तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, थर्मोसेटिंग को आप इजीली ताप द्वारा विकृत नहीं कर सकते जबकि थर्मोप्लास्टिक इजीली ताप द्वारा विकृत हो जाते हैं। इसके दो उदाहरण होते हैं बेकेलाइट और मेलालाइट, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम भी कहते हैं और जिप्सम का ऑप्शन देखेंगे अगर हम CaSO4.2H2O, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ आपको रासायनिक, ये आपका जिप्सम का ही फॉर्मूला होता है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका Ca3PO4 का ट्वाइस, तो इसे कहते हैं दोस्तों फास्फोराइड। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? देखिए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का एक पाउडर होता है जो कि आपके क्लोरोफॉर्म वगैरह बनाने में काम आता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है, आपके कपड़ों का रंग उतारता है और ये हल्की तीखी सी गंध देता है क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन को जब भूसे चूने के साथ आप क्रिया करवाएंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए दोस्तों दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जिनमें उत्क्रमणीय परिवर्तन वो होते हैं जिनमें आपका मूल पदार्थ वापस मिल जाता है, और रासायनिक परिवर्तन में अनुत्क्रमणीय होते हैं उनमें मूल पदार्थ वापस नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके ऑप्शन कागज का फटना, जल का बर्फ बनना, पेड़ का कटना या फिर ये सभी, ये तीनों अभिक्रियाएं जो दी हुई है आपको ये भौतिक परिवर्तन की है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों जब स्टार्च को आयोडाइड के साथ आप क्रिया कराओगे तो आपको नीला रंग प्राप्त होगा और इस परीक्षण को स्टार्च का अभिकरण में काम लिया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी होता है? देखिए दोस्तों चूने की अगर हम बात करें तो CaO ये आपका चूने का रासायनिक सूत्र होता है और इसको जब आप पानी में चूने के पानी में आप CO2 प्रवाहित करेंगे तो इसका कलर दूधिया हो जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इजीली पूछा जाता है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल एक तरह का है? देखिए दोस्तों दो तरह के सेल होते हैं आपके, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल की यदि मैं बात करूं तो ये वो सेल होते हैं जिन्हें एक बार यूज किया जाता है। ठीक है, और शुष्क सेल इसी का एक उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनका शुष्क सेल का ये जो होता है वो 1.5 होता है, ये जनरली टॉर्च में, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में इनमें यूज किया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है? देखिए दोस्तों
इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, लेकिन इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। इस वजह से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए और डी दोनों के अंदर आपको 1.6 × 10⁻¹⁹ दिया हुआ है, लेकिन प्रकृति ऋणात्मक होने की वजह से हम ऑप्शन डी की ओर जाएंगे और आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन विचलित होता है? देखिए दोस्तों, प्रश्न में से अगर हम एक श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो हमें विभक्त होकर वो सात प्रकाश में मिलेगा, ठीक है, और उसकी अगर हम बात करें विचलन की तो उसमें बैंगनी कलर सबसे अधिक विचलित होता है और आपका लाल कलर सबसे कम विचलित होता है, और ये जो विचलन दिखाया जाता है ये विब क्योर के द्वारा ही दिखाया जाता है, ये बैंगनी सबसे अधिक और लाल सबसे कम। अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इसका विचलन बढ़ता जाता है, और देखिए आपके ऑप्शन है पीला, नारंगी, हरा और नीला। इसमें नीला जो है वो सबसे लेफ्ट में है, इसका मतलब नीले का विचलन सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। थैंक यू दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए के डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनिक क्षार द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? देखिए दोस्तों, डीएनए की खोज वाटसन ने 1953 के अंदर की थी। इसमें चार नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एटी जीसी, ठीक है, एटी और जीसी जुड़े होते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं इसमें ये हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन है वर्गीकी, बी ऑप्शन है आकारिकी, सी ऑप्शन है आनुवंशिकी और डी ऑप्शन है पारिस्थितिकी। दोस्तों वर्गीकी की बात करें हम तो वर्गीकी के अंदर पादपों का वर्गीकरण किया जाता है, पढ़ा जाता है। आकारिकी की बात करें तो पादपों की आकारीय संरचना का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता के अनुवांशिकी के अंदर अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से पहुंचते हैं। ऑप्शन डी पारिस्थितिकी की बात करें तो इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो ये बिजली की खपत कितनी करेगा? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 100 वाट की और कितने घंटे? 10 घंटे, और हमें निकालनी होती है एनर्जी खपत किसमें? किलोवाट में, इसलिए हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो 30 से 30 लैप्स हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा? 1 kWh, यानी 1 kWh के हिसाब से, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन है आपका डेस्क को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता में कहते हैं। देखिए दोस्तों, विक्रम साराभाई का नाम आपने सुना होगा, इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता में कहते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो आरएच रोग के लक्षण है। देखिए दोस्तों, आरएच रोग के अंदर क्या होता है, आपकी स्किन पीली पड़ने लग जाती है और आंखों का रंग सफेद होने लग जाता है। इसके लक्षण देखिए, तेज हृदय गति तेज हो जाती है, आपका पेट बड़ा होने लग जाता है और ऊर्जा की कमी भी होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी आपके लक्षण इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल मनीष कुमार शर्मा को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और इसी तरह के वीडियोस लेके आए। ये आपका इसमें 20 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं पार्ट 2 और इसका आएगा, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन और लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।